गाइस आपसे ना एक दिल की बात करने आया हूँ। भले सीए वाले बच्चे हो, सीएस वाले, सीएमए वाले, हमारे किसी भी कोर्स के बच्चे हो, आप लोग जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, फिर भी मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ बच्चे ना बहुत हैप्पी होते हैं। मेरे को एक लड़की मिली, अभी 4-5 हफ्ते हो गए होंगे, मतलब 1.5 महीना हो गया होगा मेरे को व्हाट्सएप पे, उसने हमसे क्लासेस खरीदी। वो इतनी हैप्पी थी, मतलब क्लासेस खरीदते वक्त, मतलब कई बार होता ना कि जैसे बच्चे से बात करके बड़ा अच्छा अच्छा लगता है कि मतलब मैं सोचता हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स में भी बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब उनको शक्ल देख के कोई भी बता देगा कि ये प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, मतलब उनका मुंह उतरा रहता है, टेंशन है चेहरे पे। देखो नो डाउट आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, टेंशन अपनी जगह बनती है, लेकिन ना अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे और आपके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं दिखेगी ना, आपको ना कोई भी बंदा ना पास बुलाकर बात करना पसंद नहीं करेगा। तुम देखते हो जो खुशदिल इंसान होते हैं, जो हंसते खेलते मिलते रहते हैं, उनको ना लोग जान के उनके पास जाना पसंद करते हैं, ताकि इनके साथ जाके ना थोड़ी सी टेंशनें दूर होती हैं, इनसे थोड़ा सा मिलके अच्छा लगता है। और जो लोग सड़े सड़े रहते हैं ना, अपने रोने रोते रहते हैं, उनके पास लोगों को जाना अच्छा ही नहीं लगता कि छोड़ यार इसके पास जाऊंगा फिर अपने रोने शुरू कर देगा। तो हमेशा खुश रहो, हमेशा हैप्पी रहो। और मैं एक चीज कहीं सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छी लगी, अगर आप खुश रहोगे ना आपको सब बुलाएंगे, है ना। अगर आप दुखी रहोगे सबसे लोग कटेंगे, है ना। आपका मतलब समझो कि किसी काम के लिए नहीं हो आप। एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी, वहां पे एक चीज थी कहीं सुनी थी कि जिन तारों में करंट खत्म हो जाता है ना, जिन तारों में करंट खत्म हो जाता है, वो सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आती है और वो किसी और काम नहीं आती। तो अगर आपके अंदर करंट खत्म हो जाएगा ना, आपके अंदर हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, तो लोग आपको सिर्फ जब काम पड़ेगा ना, पर्पस पड़ेगा, तभी बुलाएंगे, वरना नहीं बुलाएंगे। लोग आपसे कटना शुरू करेंगे, है ना। अगर आप खुश खुश रहोगे, हैप्पी हैप्पी रहोगे, करंट रहेगा शरीर के अंदर, और सामने वाले को मिलकर आपसे पॉजिटिव वाइब आएगी, तो आपको हमेशा बुलाएगा, आपसे जुड़ा रहेगा, और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। यार आप अभी उम्र क्या है तुम्हारे लोगों की, जितने बच्चे तुम लोग सीएससी सीएमए करते, 20-22-25 साल की उम्र होती है तुम्हारे लोगों की, कुछ उससे भी छोटे होंगे, कुछ उससे थोड़ा बहुत बड़े होंगे। अभी से तुम्हारे चेहरे पे इतना मेच्योरिटीपन छलकता है कि पता नहीं बेचारा कितने गमों में जी रहा है। बेटा अभी तो जिंदगी शुरू ही नहीं हुई, अभी जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आओगे, नौकरी में आओगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे, तब देखेगा यहाँ पे अभी तो कितना, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे वर्ड ना वो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, मैं बोलने वाला था कुछ और, कि कितना मैं नहीं बोल पा रहा, चल छोड़ो, कि कितना गंद है वहां पे, कि मतलब कोई किसी का सगा नहीं है वहां पे, तो वहां भी दिखेगा अभी तो तुम कुछ जी नहीं रहे, तो तुम अच्छे लोगों के बीच में हो। सच्चाई तो अभी दिखेगी जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे। और मैंने बताया ना ये चीज, हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेना, आज के बाद जिन तारों में करंट खत्म हो जाता है, वो तारे सिर्फ कपड़े सुखाने के काम आती है और किसी काम नहीं आती। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, सबसे हंसी हंसी मिलो, पढ़ाई भी अच्छे से निकल जाएगी, लोग भी जुड़ते चले जाएंगे साथ, और करियर तो अच्छा बनेगा, इंसान भी अच्छे बनोगे। लव यू ऑल, टाटा।